तो गाइस सब कैसे हो, मैं हूं रिटेल चैनल पर आप लोग और एक बार स्वागत। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले, आप न्यू अगर अकाउंट एयरटेल पेमेंट पर अकाउंट ओपनिंग किया और आपको नहीं पता है अकाउंट को सेटअप कैसे करें, पासवर्ड सेट कैसे करें, तो आज इस वीडियो स्पेशलिस्ट आपके लिए, क्योंकि मेरे एक कस्टमर है जिन्होंने मेरे को पर्सनली रिक्वेस्ट किया, भाई आप एक ऐसे वीडियो बना दो जिसमें हम जब भी अकाउंट ओपनिंग करें तो हम किस तरह से पासवर्ड सेट करें, अकाउंट को सेटअप कैसे करें, उसके बारे में फुल डिटेल्स बता दो। क्योंकि हम एक रिटेलर है तो हम जब भी किसी कस्टमर के अकाउंट ओपनिंग करके देते तो हम जब फ्री रहते उसके अकाउंट पासवर्ड वगैरह सब हम खुद कर देते, बट जब हम थोड़ा सा बिजी वगैरह रहते तो हम कस्टमर का मतलब पासवर्ड वगैरह सेट नहीं कर पाते, तो जिसके वजह से ये आज का वीडियो स्पेशलिस्ट है। तो आप अगर एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं अकाउंट ओपनिंग किया और आपको नहीं पता कि पासवर्ड कैसे सेट करने है, अकाउंट को सेटअप वगैरह कैसे करना है, तो आज का वीडियो देख लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आप भी अपने दोस्त फैमिली मेंबर किसी का भी अकाउंट सेटअप कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात तो देखो, अकाउंट ओपनिंग आप जब भी करोगे आप दो प्रोसेस से अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो, एक तो ऑनलाइन एक है ऑफलाइन। ऑनलाइन पर आप वीडियो केवाईसी के थ्रू अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो, बट मैं किसी भी टाइम आप लोग को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि ऑनलाइन पर ऐसे बहुत सारे कस्टमर है जिन्होंने अकाउंट ओपनिंग किया है बट उनका केवाईसी कंप्लीट हो चुका है फिर भी उनका अकाउंट ओपनिंग नहीं हुआ है। तो यही बात है जिसके वजह से मैं बताऊंगा, आप अगर एयरटेल पेमेंट अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो तो आपके नियरेस्ट जो भी एयरटेल का सीएसपी है नॉर्मली उस जगह पर जाओ, हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड को हमने साथ ले जाओ और बायोमेट्रिक के थ्रू आराम से आपने किसी भी नंबर पर एयरटेल पेमेंट अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो। आपके टाइम पर जो नॉर्मल से चार्ज है ₹100 का आप लोग अकाउंट ओपनिंग के लिए चार्ज देना पड़ेगा और ₹10-20 एक्स्ट्रा आप लोग को देना पड़ता है, क्योंकि इस अकाउंट ओपनिंग के लिए कमीशन वगैरह कुछ खास रिटेलर लोगों को मिलता नहीं, पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारा अकाउंट ओपनिंग करता हूं। ओके, देखो एयरटेल पेमेंट बैंक नंबर इंडिया का नंबर 1 पेमेंट बैंक है, तो इसमें आप आराम से ट्रस्ट कर सकते हो। आप अगर फोन पे गूगल पे या डेली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना चाहते हो तो आपके लिए एक बेस्ट अकाउंट हो सकते, क्योंकि ऐसे स्टेट बैंक एक्सिस बैंक जो भी बैंक होता है इसमें डेली ट्रांजेक्शन करने के लिए सही नहीं है मान सकते हो, बट एयरटेल पेमेंट बैंक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए एक सही अकाउंट है, क्योंकि इसे आप मोबाइल से सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। आप मान लो आपने किसी भी सीएसपी में जाके एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग कर लिया, इसके बाद क्या करें ये बहुत सारे लोग नहीं पता है, तो डिटेल्स पर बता देता हूं। सबसे पहले जाओ प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर में जाने के बाद एयरटेल थैंक्स बोल के एक ऐप है, नॉर्मली उस ऐप को आप लोग नॉर्मली इंस्टॉल कर लो और लॉगिन कर लो। लॉगिन जो भी आपका एयरटेल बैंक ओपन किया तो उसी नंबर से नॉर्मली एयरटेल थैंक्स ऐप पर लॉगिन कर लो, और एयरटेल थैंक्स ऐप पर जब भी आप लॉगिन करोगे नंबर तक ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएगा, सिर्फ नॉर्मल सा बहुत ही सिंपल सा है। उसके बाद पी ऑप्शन पर आ जाओ, आप पी पर अगर बैंक ऑप्शन देखने को मिल जाए बहुत बढ़िया, अगर ना मिले तो ऊपर पर लेफ्ट साइड पर एक हेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आइकॉन देखने को मिलेगा, नॉर्मली उस आइकॉन पर क्लिक कर दो। अब उस आइकॉन पर जब भी क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारा आप लोगों को सर्विस देखने को मिलेगा, नॉर्मली बैंक प्रोफाइल ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर दो। आप बैंक प्रोफाइल ऑप्शन पर जब भी क्लिक करोगे आपने जिस भी मतलब जो भी डिपॉजिट किया था अकाउंट ओपनिंग के टाइम वो बैलेंस आपको वहाँ पर शो हो जाएगा, जो भी हमने बैलेंस डिपॉजिट किया था वो बैलेंस उस जगह पर शो हो जाएगा। तो नॉर्मली उसके नीचे पर आप लोगों को बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें से एक ऑप्शन है जो कि डेबिट कार्ड। आप डेबिट कार्ड ऑप्शन पर जब भी आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर एमपिन देने के लिए बोलेगा, बट आपके पास तो एमपिन नहीं है तो नॉर्मली आप नीचे में जो है फॉरगेट वाला ऑप्शन को चूज कर लो। आप फॉरगेट ऑप्शन पर जब भी चूज करोगे तो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, हालांकि आपका आधार कार्ड पर जो भी डेट ऑफ बर्थ और फर्स्ट नेम लास्ट नेम है सिर्फ वही दे देना, बाकी अगर आपका आधार में कुछ गलत भी है तो दे देना, आधार पर जो भी है वही आप लोग की इस जगह पर डालना पड़ेगा, आपको ओरिजिनल जो है वो नेम डालना नहीं चाहिए, मतलब जो आपका आधार कार्ड में वही डाल, क्योंकि बहुत सारे लोग का ओरिजिनल जो डेट ऑफ बर्थ है नाम के पहले वो कुछ अलग है और जो सा जो नाम है आधार पे जो नाम है वो अलग है, तो आप लोग आधार पर जो भी है वही डिटेल्स आप लोगों को उस जगह पर देना पड़ेगा। अगर किसी का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम देने का कोई जरूरत नहीं, नॉर्मली फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना, मिडिल नेम का जरूरत नहीं आएगा, और डेट ऑफ बर्थ जो भी है पाई टू पाई डेट ऑफ बर्थ आप आधार में जो भी है सेम दे दो। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करो तो आपका जो भी मोबाइल नंबर उस पर और एक बार ओटीपी आ जाएगा, तो ओटीपी का नॉर्मली इस जगह पर एंटर कर दो। ओटीपी का एंटर करने के साथ साथ यहाँ पर आपको न्यू मतलब पिन सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, तो न्यू पिन आपका जो भी मर्जी उस हिसाब से पिन सेट करो, बट एक चीज हमने डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर इस तरह के पिन बिल्कुल भी ना सेट करें, और 4 डिजिट का 0 या किसी भी संख्या बिल्कुल ना सिलेक्ट करें, और 1, 2, 3, 4 बिल्कुल भी पासवर्ड ना सिलेक्ट करें, क्योंकि नॉर्मल से जो न्यू लोग यूजर होते हैं वो लोग इस तरह का पासवर्ड सिलेक्ट करना चाहते हैं जिसका पासवर्ड सेट नहीं होगा। आप बात कर रहे थे, मान लो आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपने अकाउंट किया तो उस टाइम पर आपके पास आधार कार्ड थी या नंबर थी, बट अभी आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप फॉरगेट कैसे करोगे, आपके दिमाग में ये भी सवाल आएगा। तो और एक जो हिडन ट्रिक है ये रिटर्न प्रोसेस है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो जहाँ पे आप एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग करोगे तो आपको मैसेज के थ्रू आप लोग एक सैंपल मतलब एक एमपिन दिया जाता है, तो जो टेम्पोरली एमपिन बोल सकते हो, जो एमपिन आपका मैसेज पर आ जाएगा जब भी आप अकाउंट ओपनिंग करोगे उस टाइम पर आएगा। आप देखो सबसे पहले तो एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन कर लो और उस जो आइकॉन बोला था उस आइकॉन पर नॉर्मली क्लिक कर दो। उस आइकॉन पर जब भी आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को एक और ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, तो नॉर्मली सेटिंग पर सिलेक्ट कर दो।
उसके बाद पेमेंट सेटिंग पर क्लिक कर दो। आप पेमेंट सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो एयरटेल पेमेंट बैंक पर टैप कर दो। एयरटेल पेमेंट बैंक टैप करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा जिसमें से बहुत सारे लोग नहीं जानते। यहाँ पर आप लोग एक ऑप्शन देखने को मिलेगा चेंज एम पिन, तो चेंज एम पिन में जाके जो मैसेज में जो एम पिन आपका आया है उस एम पिन को पहले डाल दो। उसके बाद आप जो भी एम पिन सेट करना चाहते हो आपके मर्जी के हिसाब से उस पिन को देकर दो बार दे दो। उसके बाद सबमिट कर दो, आपका जो भी पासवर्ड फुली सक्सेसफुल हो गया। आप फोन पे, गूगल पे, अमेजन, पेटीएम किसी भी जगह पर आप UPI लिंक कर सकते हो और इस पिन को देकर सेंड मनी वगैरह सब कुछ कर सकते हो। एक चीज, जिन लोगों का कीपैड मोबाइल है उन लोगों का अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते तो कैसे करोगे अगर आप लोग जानना चाहते हो जस्ट कमेंट कर दो, उसके ऊपर वीडियो आ जाएगा। बाकी आप न्यू अकाउंट ओपनिंग किया है तो ये सारा जाकर से आप एयरटेल पेमेंट बैंक पासवर्ड चेंज कर सकते हो, आराम से सेटअप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। बाकी इसके रिलेटेड कोई सी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम आती जस्ट कमेंट कर दीजिए, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आज के लिए थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो, जन्मदिन बात, थैंक यू, बाय बाय।